दोस्तों आप देख सकते हैं आपको जो है आधार इनरोलमेंट डिटेल यहाँ पर ब्लैंक्स होकर है। जो रिफ्रेश करने पर भी प्रॉब्लम यहाँ पर ब्लैंक्स हो रहा है। यहाँ पर हम जो है सर्विस पे जाकर जो है OTA सर्विस को यहाँ पर रिस्टार्ट करते हैं, फिर भी यहाँ पर हमारा जो है लिस्ट शो नहीं कर रहा है। अगर आपके में इस प्रकार से प्रॉब्लम हो रहा है तो चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार से ठीक करते हैं। तो आपको जो है सबसे पहले आपको जो करना क्या है, यहाँ पर आपको जो है सी फोल्डर पे आपको चले जाना। सबसे पहले आपको जो है अपना ड्राइव के सी फोल्डर को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको जो है UIDAI आधार ऑफ इंडिया को क्लिक करके ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आधार एनरोलमेंट क्लाइंट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, डेटा को यहाँ पर आपको डेटा को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद डेटा को ओपन करने के बाद आपको जो सर्विस पे जाना है और OTA आपको अपडेट क्लाइंट है इसको आपको सबसे पहले स्टॉप कर लेना है। स्टॉप करने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपके सामने पैकेज ऑटो है, आपको जो है पैकेज ऑटो है उसको जो है रीनेम कर लेना है। ऑटो के बाद आपको टाइप करना क्या है, यहाँ पर पैकेज ऑटो है उसके पैकेज के ऑटो के बाद आपको टाइप करना है ओल्ड। आपको यहाँ पर जो है ओल्ड टाइप कर देंगे और इसे सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद आपको जो है यहाँ पर एक आपको जो है फोल्डर क्रिएट करना है, या राइट क्लिक करके फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, या ऊपर में आप देख सकते हैं न्यू फोल्डर है उस पर क्लिक करके फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो है कीबोर्ड से आप जो है कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके आप जो है एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस किए तो यहाँ पर देख सकते हैं फोल्डर आ गए। यहाँ पर आपको जो है फोल्डर पर टाइप करना है पैकेज डैश ऑटो, आपको जो है पैकेज डैश ऑटो टाइप करना है, उसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको जो है पैकेज ऑटो कोल्ड जो हमने पहले सेव किए हैं उसको ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको जो है ऊपर से 5 या 10 आपको जो फोल्डर को छोड़ देना है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरा 5 फोल्डर छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पर जो है सभी को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पूरा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद ऑटो पैकेज ऑटो को ओपन कर लेना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, इसे जो हम मिनिमाइज कर लेंगे और यहाँ पर आपको जो OTA क्लाइंट है अपडेट क्लाइंट को स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद आपको जो फिर से अपने आधार सॉफ्टवेयर पर वी रिफ्रेश और रिलोड पे क्लिक करेंगे, आपको जो प्रॉब्लम था यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ 5 छोड़े थे, तो यहाँ पर हमारा जो है अपलोड फोल्डर कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऊपर पर देखेंगे तो ऊपर में आपको जो करेंट में जो रेसिडेंट को अपडेट किए थे उनके यहाँ पर लिस्ट शो करेगा। तो इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम था यह सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद।